सिखाने वाला हूँ मोबाइल के अंदर वीडियो एडिटिंग। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मैं वीडियो किस ऐप में एडिट करता हूँ ये आज आप लोगों को सिखाऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि यार मैं जो है एडिट अपने मोबाइल के अंदर करता हूँ, और मैंने आप लोगों को एडिटिंग भी सिखाई थी, लेकिन काफी लोगों के सवाल थे कि यार आप किसी और ऐसे करते, हमें ऐसे बता रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई बिल्कुल बात खत्म होगी, यहाँ पे बात होती है एंड। क्योंकि अभी जो है ना मैं आप लोगों को जो अपनी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसकी जो एडिटिंग करूंगा उससे हम सारी एडिटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तब आप लोगों को जाकर सच लगेगा। क्योंकि आप लोग ऐसे मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। मोबाइल पर चलते पहले एडिटिंग सीखते हैं, बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस ऐप पर एडिट की। याद रहे मैं लास्ट में नहीं बताऊंगा, किसी भी जगह पर बता सकता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लगा दो। मेरा नाम है जामी इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जामी इमरान ऑफिशियल। जब मैंने एडिटिंग वाली वीडियो पोस्ट की थी काफी लोगों के कमेंट आए थे कि यार आप तो झूठ बोल रहे हो, ये चीज तो ऐसा ऐप में मिल ही नहीं रही, लेकिन आप कैसे एडिट कर लेते हो। मुझे कहते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप किसी और से एडिटिंग करते हो और हमें ऐसे बता रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा चलो सेकंड वीडियो बना देते हैं। मेरी जितना भी वीडियो होती है, जितना भी मैं लिखाई करता हूँ, जो भी करता हूँ, इस तरह से आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियो में जितना भी लिखाई होती है, जो कहता हूँ वही उसका नाम आता है, जिस चीज का नाम लेता हूँ उसकी पिक्चर आती है, ये सब कैसे होता है। चलिए आए आप लोगों को यही सब कुछ बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, सबसे पहले एडिट सीख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पूरे दो घंटे की मेहनत जाया होगी, आप लोग देख सकते हो जो मैंने फर्स्ट इंट्रो बनाया उसकी रिकॉर्डिंग की थी, अभी वो सेव नहीं हुई। आप लोग मेरी मेहनत चेक करो, पहले चेक दिस एडिट, प्लीज एडिट बता दो मोबाइल से एडिटिंग कैसे करें, कैसे एडिट करते हो। चलिए सीखते हैं यार, तो मैं कहां जा रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मोबाइल के अंदर वीडियो एडिटिंग। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे एडिट किए थे। सबसे पहले मैंने जो है ना ये पिक्चर ऐड की थी, जो कमेंट थे मैंने जो है ना इसमें कमेंट शो कराए थे, वो मैंने पेप के ऊपर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके वो जो है ना ऐड कर दिए थे। फिर इनकी अलग अलग ट्रांजिशन भी थी। अगर हम लोग साउंड की बात करें तो साउंड मैंने कुछ जो है ना साउंड इफेक्ट लगाए थे, उसके बाद कुछ मैंने वॉइस में कमेंट पढ़कर वो जो है ना बताया था, वो वॉइस भी इस ऐप में रिकॉर्ड की थी। ऑडियो पर क्लिक करें, इफेक्ट साउंड के ऊपर क्लिक करें तो वो साउंड जहाँ पर ही मिल जाते हैं जो मैं ज्यादातर यूज करता रहता हूँ। ये जो साउंड है ये बगैर कॉपीराइट के, नो कॉपीराइट इशू, इनके ऊपर कोई भी कॉपीराइट इशू आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और जो मेरी वीडियो पर कहीं कहीं पर जूम होता है, यहाँ पर क्लिक करके मैं अपनी वीडियो को कस्टम तरीके से जूम करता हूँ, मैनुअल तरीके से। जो मैं अपनी वीडियो में लिखाई करता हूँ वो आप लोगों को अभी बता देता हूँ। यहाँ पर वीडियो को रोके, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढे टेक्स्ट के लिए, मैं जो है ना यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, जो भी मैंने लिखना है, जो भी मैंने वीडियो में बोला था वही लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसको मैनुअल सेट कर लिया जहाँ पर रखना था, उसके बाद मैंने लगाना था फेस ट्रैकिंग, उसके बाद ट्रैकिंग पर क्लिक करके फेस के साथ इसको सेट करके चार्ट ट्रैकिंग पर क्लिक कर दिया, उसके बाद मेरा फेस जहाँ भी जाता था वो टेक्स्ट भी उसके साथ साथ ही आती। मेरी वीडियो में जहाँ पर लिखाई शो होती है उसके साथ साउंड शो होता है, और साउंड वो मैंने यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करके एफएक्स साउंड पर क्लिक करके उसके बराबर का जो टेक्स्ट के साथ अच्छा लग रहा था वही साउंड सेलेक्ट कर लिया। उसके साथ मैंने ट्रांजिशन सेट कर ली, ट्रांजिशन जैसे ही मेरी आती है उसके साथ साउंड आता है, वो साउंड भी मैंने ऑडियो पर क्लिक किया और एफएक्स साउंड पर क्लिक करके लगा दिया। एंड नेक्स्ट उसके बाद मुझे कोई लिखाई करनी थी वो भी लिखाई मैंने कर दी, और लिखाई जो मैंने की है ना बहुत सारी लिखाई को कॉपी करके मैंने किया, क्योंकि जो लिखाई मैंने करनी थी उसके साथ साथ मैंने तीन लिखाई करनी थी एक ही क्लिप में, तो मैंने उस लिखाई को कॉपी कर लिया और जिस लिखाई का जो भी नाम लिखना था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद सब को मैंने सेट कर लिया और फेस ट्रैकिंग सब लिखाई पर कर दी, मेरी लिखाई थी तीन, मैंने तीनों लिखाई पर फेस ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने साउंड भी इनके लगाए, जब मेरी तीनों लिखाई एक ही क्लिप में आ गई उसके बाद मैंने फेस ट्रैकिंग लगाया, फेस ट्रैकिंग लगाने के बाद मैंने ऑडियो साउंड लगाया, ऑडियो साउंड मैं वही लगाता हूँ जो माउस टैग का होता है, आप लोगों ने भी वही लगाना है। उसके बाद जितना भी ऑडियो साउंड है या वीडियो कट करनी है कहीं पर, वो जहाँ पर आप लोगों ने गलती की है वो भी आप लोगों ने वहाँ पर कट कर देना है, जहाँ पर आप लोगों ने गलती की है उस जगह पर जाकर आप लोगों ने स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद उस वाले क्लिप को आप लोगों ने डिलीट कर देना है, और सबको आप लोगों ने कैपकट के अंदर आकर आऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि यार मैं जो है एडिट अपने मोबाइल के अंदर करता हूँ, और मैंने आप लोगों को एडिटिंग भी, जितना भी आप लोगों ने लिखाई करनी है या आप लोगों ने किसी चीज की पिक्चर ऐड करनी है, जिस चीज का आप लोग नाम लेते हो उस चीज की अगर आप लोगों ने पिक्चर ऐड करनी है वो भी आप लोग कर सकते हो, और जिस चीज का आप लोग नाम लेते हो उस चीज का आप लोगों ने नाम भी लाजमी लिखना होता है वो भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने उसके साथ साथ एफएक्स साउंड में जाकर आप लोगों ने साउंड भी ऐड करना होता है, क्योंकि जो चीज आप लिखती हो ना उस चीज का अगर साउंड आए तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त बन जाती है। इस तरह से आप लोग भी अपनी प्रोफेशनल एडिट कर सकते हो, और मेरी सारी वीडियोस कैपकट के अंदर ही होती है। ये जो एप्लीकेशन है ये है कैपकट का एप्लीकेशन, कैपकट के एप्लीकेशन में आप लोग भी प्रोफेशनल एडिट कर सकते हो। सो गाइस आप लोगों का अब तो यकीन आ गया होगा कि यार मैंने बाकी मोबाइल में एडिट किया, मैं जितना भी अपनी वीडियो एडिट करता हूँ वो सारी मोबाइल के अंदर ही होती है, और ये ऐप है कैपकट का। अगर आप लोग इसको बाय कर लोगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शन जो है ना फीचर बहुत सारे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं जो है ना खुद इसको फ्री वाला यूज कर
करता हूँ। फिलहाल उन चीजों की जरूरत नहीं है जो मतलब मूड एप्लीकेशन में होते हैं, जो प्रो में होते हैं उनकी फिलहाल जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जो है ना बाय कर लूंगा। अगर आप लोग मुझसे भी ज्यादा एडिटिंग करना चाहते हो तो आप लोग आओ इस कैपकार्ट को प्रो में आप लोग आकर बाय कर लो, फिर इंशाल्लाह आप लोगों का मुझसे भी ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट बनेगा। आप रही मेन बात, लोग तो काफी सारे जो है ना कैपकार्ट के अंदर एडिट करते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि यार हम तो कैपकार्ट में एडिट करते हैं लेकिन हमें तो ऐसी एडिट कैपकार्ट के अंदर नहीं आती। आप लोगों को अभी मेन बात बता दूं कि आप लोग जो है ना ऐसे वीडियो को आकर उठाकर डाल देते हो, फिर उसको वहां पर ही कट वर्ड दो तीन करके सेव कर देते हो, जैसा कि ये चीज जो है ना अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को करना ये चाहिए कि आप लोगों को अपनी वीडियो के ऊपर 2-3 घंटे तो वेस्ट करने चाहिए भाई। अगर आप लोग अपनी वीडियो के अंदर 2-3 घंटे लगाओगे तो इंशाल्लाह आप उनकी एडिट जो है ना वो अच्छी होगी। अभी आप लोग ऐसा करके आप लोग उठाकर वीडियो आते हो, फिर आकर डाल देते हो, फिर यहाँ से निकाल कर सेव कर देते हो, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं 3 से 4 घंटे अपनी 5 मिनट की वीडियो पर लगाता हूँ, तो आप लोग भी लगाओगे तो ऐसा ही कुछ एडिट होगी। ऐसे बैठकर बातें करने से कुछ नहीं होता भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप लोग कहो कि यार 10 मिनट में कैपकार्ट में हमारी वीडियो जो है एडिट हो जाए, ऐसा नहीं होता। 3 से 4 घंटे आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। अगर आप लोग इतना मेहनत करते हो तो फिर आप लोगों की जो वीडियो एडिट है वो बिल्कुल अच्छी आएगी, परफेक्ट, जैसे भी आप लोग बनाना चाहो बना सकते हो। आई थिंक सारे ही यूट्यूबर, टेक के यूट्यूबर, व्लॉगर, जितना भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सारे ही कैपकार्ट को यूज करते हैं। उन्होंने कैपकार्ट को बाय किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, लेकिन मैं जो है ना खुद फिलहाल फ्री वाला यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने परचेज इसको कर लिया तो आप लोगों को भी बता दूंगा। फिलहाल इसमें फ्री वाली चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये भी प्रो में हो गई तो हमें प्रो करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लगा दें। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।